वहीं शिवपुरी जिले के खनिया धाना थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने नशे के खिलाफ एक्शन लिया। आज उन्होंने एक बार फिर से अवैध रूप से गांजा बेचने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है और 2.5 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस आरोपियों के खिलाफ अब कार्रवाई में जुट गई है। कल कुंगू केवट निवासी चिलपुरा को मैं दो किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया क्रांत सिंह लोधी और एवं उसका साला कल्याण सिंह लोधी निवासी मनकुली का हमें ये सप्लाई करता है। गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। जिस स्कूटी से सप्लाई की जाती है उस स्कूटी को जब्त किया गया है।